जब सत्यराज की पत्नी हट कर गई है, सत्यराज के कहने लगा है कि हम तुम्हें बात तो जरूर बताएंगे, लेकिन पहले तुम हमारी कसम खाओ कि बात सुनकर के तुम किसी से कहोगी नहीं। ये बात हमेशा अपने मन में ही रखो। थोड़ी देर बैठी नहीं, गंगा की ओर दोनों हाथ उठाए है, कहा कि नाथ हम तुम्हारा नारा मुंह देखें अगर ये बात कभी किसी से कहे, आप हमें बात बता करके देखें। सत्यराज रोते के अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, प्रसेन को भगवान कष्ट नहीं मारा है। एक दिन हम मध्य बहन कृष्ण की सभा में बैठने के लिए गए थे, तो कृष्ण हमसे मणि मांग नहीं सके, खुद नहीं मांगी, लेकिन फिर ही फिर दूसरे यादवों से मणि हमसे मांगी थी। मैं तो अपने प्राण बचा करके वहां से निकल आया, लेकिन कन्हैया ने मन के लालच में आकर के मेरे छोटे भाई हर्षण को मर बता। सत्यराज बात बता करके घर में सो, लेकिन सत्यराज की पत्नी को चैन नहीं पड़ा, मन में पेट में गैस बनने लगी, सोचने लगी है कि कब सुबह हो, तब ये मन का दर्द किसी से जाकर के कहे, कहा कसम खाई थी कि मरते तब तक भी हम किसी से ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन एक रात भी नहीं कहेंगे। धन्य हो भक्ताओं, आपसे भगवान आज रात के जब 3 बजे हैं, इसने घड़ा हाथ में लिया है, रस्सी ली, घर से निकले, कुआं की ओर चल दी, कुआ पर खड़े होकर के इंतजार करने लगे हैं कि कोई पड़ोस अपने घर से निकल करके आए जिससे हम मन का दर्द कहें। जब कोई पड़ोस अपने घर से निकल करके नहीं आई है, तो ये कुए पर खड़े होकर के क्या करने लगे हैं?
दुआ पर पहुंच गई है, प्रतीक्षा करने लगी है कि कोई सखी निकल करके आए जिससे हम अपने मन का दर्द कहें। जब कोई पड़ोसन महल से निकल करके नहीं आई है, घड़ा को रस्सी में बांध करके कुआ में फंसा लिया है, जब कोई प्रतीत होता है तो कोई पथिक वहां से गुजर रहा है तो उसे खींचने लगती है। प्रतीक्षा करती रही है, जब सुबह होता है तो पड़ोसन निकल करके घर से